दोस्तों आज हम लोग जिस प्लांट के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं उसका साइज है 15 फीट इंटू 30 फीट। फ्रंट में 15 फीट, इस साइड 30 फीट, इस तरफ 15 फीट और इधर का डायमेंशन है 30 फीट। फ्रंट में रोड है। दोस्तों ये प्लांट 450 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस प्लांट में मैं टोटल डायमेंशन करूंगा और इस प्लांट में मैं इंटीरियर भी दिखाऊंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपका छूटे नहीं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस प्लांट में रूम निकालते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या रूम आया। ये 15 फीट इंटू 30 फीट के प्लांट में कितने सारे रूम निकले। ये हमारा स्टेयर एरिया है, यहाँ पे एक गेस्ट रूम दिया गया है, यहाँ डाइनिंग स्पेस है, यहाँ बाथरूम है एक, यहाँ बेडरूम है, बेडरूम में एक अलमीरा दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ एक किचन दिया गया है। दोस्तों इस प्लांट में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं। ये 15 फीट इंटू 30 फीट का जो प्लान है इसका साइज है 450 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 5 लैक्स पर यूनिट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका डायमेंशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेयर एरिया का डायमेंशन करेंगे। ये हमारा है स्टेयर एरिया जिसका साइज है इस तरफ का 10 फीट 4 इंच और इस तरफ का साइज है 5 फीट। इस प्लान में यहाँ एक विंडो दिया गया है रोशनी के लिए। इस स्टेयर एरिया में यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, ये फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे और इसके बाद जब ऊपर और चढ़ेंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। और ये मेन गेट का डोर इस स्टेयर एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर अंदर जाने के लिए यहाँ एक डोर दिया गया है। हम लोग इस गेस्ट रूम में आते हैं। इस गेस्ट रूम में हम लोग इस डोर से जब इन करेंगे तो इन करने के बाद इस गेस्ट रूम में हम लोग पहुंच जाएंगे। इस गेस्ट रूम का डायमेंशन है 10 फीट 4 इंच इंटू 8 फीट 9 इंच। इस तरफ का डायमेंशन हुआ 8 फीट 9 इंच और इस तरफ का डायमेंशन है 10 फीट 4 इंच। यहाँ एक विंडो दिया गया है और यहाँ भी एक विंडो दिया हुआ है, यहाँ बेड दिया हुआ है, यहाँ पर सीलिंग फैन लगा हुआ है। चूँकि इस रूम में जगह कम है इसलिए सोफा न देकर यहाँ 3 चेयर दिए गए हैं। यहाँ एसी लगा हुआ है और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है। यहाँ एक सेंटर टेबल दिया गया है छोटा सा और यहाँ एक और चेयर दिया गया है। इस गेस्ट रूम का हम लोग इंटीरियर देखते हैं इस एंगल से। यहाँ से आगे आते हैं। इस गेस्ट रूम से हम लोग इस डाइनिंग स्पेस में इन करेंगे। ये हमारा हो गया डाइनिंग रूम। इसका साइज है 7 फीट 6 इंच इंटू 9 फीट 9 इंच। इस तरफ का डायमेंशन है 7 फीट 6 इंच और इस तरफ का 9 फीट 9 इंच। एक डायमेंशन यहां दिया गया 9 फीट का। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, यहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ है एक, यहाँ पर डाइनिंग स्पेस में एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस के बाद हम लोग अब किचन में आते हैं। ये किचन का डोर है, ये किचन है। किचन का साइज है 9 फीट इंटू 4 फीट 9 इंच। इस तरफ का डायमेंशन है 4 फीट 9 इंच और इधर का डायमेंशन है 9 फीट। ये किचन का स्लैब है, यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है और यहाँ पे किचन सिंक लगा हुआ है।
एक विंडो इधर दिया गया है और एक विंडो इधर दिया गया है। अब हम लोग बाथरूम में आते हैं। ये बाथरूम का डोर है, ये बाथरूम है। इस बाथरूम का साइज़ है 6 फीट × 4 फीट। इस बाथरूम में यहाँ एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर वॉश बेसिन है और यहाँ पे शावर पैनल है। इस प्लान में अब हम लोग बेडरूम में आते हैं। इस बेडरूम का यहाँ डोर लगा हुआ है और इस प्लान में दो विंडो दिए गए हैं। एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है, एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बेड रखा हुआ है, यहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ है, यहाँ पे कॉटन लगा हुआ है, एक चेयर यहाँ दिया गया है और एक सेंटर टेबल यहाँ दिया गया है, एक और चेयर यहाँ दिया गया है, फिर एक और चेयर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ टीवी लगा हुआ है और यहाँ एसी भी लगा हुआ है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 फीट 6 इंच × 9 फीट। इस तरफ का डायमेंशन है 9 फीट और इस तरफ का डायमेंशन है 10 फीट 6 इंच। आइए हम लोग इस बेडरूम का इंटीरियर देखते हैं। इस एंगल से हम लोग यहाँ से इंटीरियर देखेंगे ऐसे। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। ग्राउंड फ्लोर के प्लान को आप एक साथ एक बार देख लीजिए। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये हमारा है फर्स्ट फ्लोर टू टॉप फ्लोर का प्लान। ये फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर वैसे ही है। यहाँ पर गेस्ट रूम है, यहाँ बाथरूम है जैसे नीचे था वैसे ही, डाइनिंग स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे एक किचन है और यहाँ पे बेडरूम है। इस गेस्ट रूम से इस बालकोनी में जाने के लिए यहाँ एक डोर दिया गया है और इस डोर के थ्रू होकर इस बालकोनी में आ जाएंगे। इस बालकोनी का डायमेंशन है 3 फीट × 15 फीट। इधर का हो गया 3 फीट और इस साइड का भी 3 फीट और फ्रंट का 15 फीट। ये 3 फीट आउटसाइड में निकाला हुआ है, आगे की ओर निकाला हुआ है जो बालकोनी बन गया है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का प्लान। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।